तेहतवा स्वतंत्रता दिवस है, भारत माता का एक महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सिर्फ एक ही आह्वान करूंगा सभी से कि ये हम सब भाई बहन जो अलग अलग प्रांत अलग अलग जाति के लोग हैं, ये सब हम एक भाई बहन हैं और एक भाईचारा का एक मैसेज आगे हमें कन्वे करना चाहिए और यही दिखाना चाहिए कि हम सब अलग अलग जाति के होके भी एकजुट एक छत के नीचे खड़े हैं और इससे बड़ा नाश हमें इस देश पे और हो नहीं सकता है। ये देश हमारा है, हम देश के वासी हैं और हमें गर्व है कि हम सब अलग अलग जाति के लोग एक साथ में जुड़ के यहाँ झंडे वंदन पे खड़े हैं। मुझे गर्व है इर्शाद के ऊपर जिसने सारे जाति के लोग सारे लोगों को यहाँ जोड़ के रखा है और गर्व करता हूँ इस पर और यही पैगाम दूंगा कि ऐसे सब अगर करते जाए तो देश के टुकड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है, बट हम जुड़ के बहुत कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये हमारे वाहतुक सेना के एक ऑफिस आज संपर्क कार्यालय जब उद्घाटन हुआ यहाँ पे, इर्शाद हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता है और इर्शाद का हमेशा एक जोश रहा है कि उसे एक जुनून है कुछ काम करने का। इर्शाद बहुत सारे काम करते आए, मैं हमेशा ये बोलूँगा कि उसे एक बधाई दूंगा और ये बोलूँगा हमेशा आगे बढ़ते रहे और मेरा साथ हमेशा उसके साथ में रहेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ सर आए यहाँ पे, अपने हाथों से ओपनिंग किया, तो सर का जो काम करने का तरीका हम लोगों को वो अच्छा लगता है, हम उसको फॉलो करते हैं और आज झंडा वंदन भी है तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ओपनिंग भी हो गई और मेरा झंडा वंदन भी हो गया और सर के हाथों से हुआ, तो बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे ये मास्टर है, ये जैसा काम करते हैं हम इनको देख के काम करते हैं, ये जैसा चलेंगे वैसे हम इनको देख के चलेंगे और मैं ये ट्राई करूँगा कि बैंड्रा में हर एक गली में हर एक बिल्डिंग में सेना का झंडा लहरा। जी मैं यहाँ पे जो लोकल जो ये एरिया है इसमें कुछ तकरीबन 300 ऑटो वाले हैं, तो मतलब मैं ये लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश करूँगा और पूरे बैंड्रा में जो जो ऑटो वाले हैं टैक्सी टेम्पो वाले हैं, यहाँ पे पार्किंग का भी मैंने लोगों को करके दिया हूँ 25 पार्किंग का, एक कचरगुंडी की जो प्रॉब्लम्स थी सर के लेटर पर मैं उसको भी सॉल्व करके दिया हूँ, तो मतलब ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, तो मतलब इनकी जो प्रॉब्लम वो मेरी प्रॉब्लम है, तो जैसे मतलब हमारा काम तो ट्रांसपोर्ट का लेकिन उसके अलावा जो भी हमारे से बेस्ट होगा वो करेंगे यहाँ पे। ये लोग बहुत खुश नसीब है जो दीपक श्री दीपक महेश्वरी यहाँ साहब यहाँ पे आए और मतलब कैसा है कि आज महाराष्ट्र का अध्यक्ष मतलब और भी लोगों के थे लेकिन मेरे कन्विंस करने पे मेरे रिक्वेस्ट करने पे साहब यहाँ पे आए, तो मतलब ये लोग ऑलरेडी मतलब रात से बेचैन थे, इंतज़ार कर रहे थे साहब के आने का, तो मतलब ये लोग सब साहब को दिल से चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज झंडा वंदन है और मेरी ऑफिस का उद्घाटन है और हमारे काफ़ी रिक्शा वाले हमारा साथ दे रहे हैं ये चीज़ के लिए और हमारे दीपक भाई महेश्वरी भी जी आने वाले हैं और मतलब ये दिन जो है आज़ादी का दिन है, हम बहुत खुश हैं, मतलब इस दिन से हमारी ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है तो हम बहुत खुश है कि 15 अगस्त को हमारी ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। रिक्शा वाले के लिए आपने बहुत कुछ बताइए जी, रिक्शा वाले मतलब जी मेरे डैडी भी रिक्शा चलाते हैं तो जैसे मेरे डैडी है वैसे मेरे लिए सब रिक्शा वाले, तो मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो जो रिक्शा वाले मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे मैं पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बेचारे 300-400 कमाते हैं और अगर कोई पुलिस वाला पकड़ा तो उसमें फाइन और मतलब एक पूरी फैमिली को लेके चल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी लेके चलते हैं, तो मतलब इसीलिए मैंने वाहतुक में पोस्ट लिया हूँ कि मतलब रिक्शा वाले और टेम्पो टैक्सी वालों की खिदमत कर सकूँ। आपने अभी तक क्या क्या हेल्प किया रिक्शा वालों? जी मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है लेकिन यहाँ पे इनका पार्किंग का इशू था, ये सलीम भाई मेरे पास आए थे बोले इरशाद भाई पार्किंग का इशू है, यहाँ के जो RTO वाले हैं उनको आगे फाइन मार देते हैं 1200 का, तो मैंने यहाँ पे इनको 25 गाड़ी का लीगली पार्किंग करके दिया, मतलब उस पर मेरा लोगो रहेगा, जिस गाड़ी पे मेरा लोगो रहेगा वो गाड़ी टो नहीं होगी और जिस गाड़ी पे मेरा लोगो नहीं रहेगा वो गाड़ी टो हो जाएंगी और यहाँ जो कचरकुंडी है बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब बच्चे सब रोड पे खेलते थे रोड बंद हो जाता था तो कचरकुंडी को थोड़ा आगे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोसीजर में वो। और सपोर्ट मिला जी? मुझे तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हमारे दीपक भाई का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने कुछ फ्रीडम दे के रखा है कि अर्शाद तुम जैसा काम करना है काम करो, मतलब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। जो हमारे बबलू भाई और इरशाद भाई ने जो हमारे को जो बैगिंग दी है और हमारे को जो सपोर्ट करे हमारी रिक्शा की पार्किंग के लिए,
और जो कचरे के डब्बे का जो उन्होंने हटा है और 25 से 30 गाड़ी की पार्किंग हमारे को तो वाहतूक सेना के जरिए से दीपक भाई के जरिए से इरशाद भाई और बबलू भाई के साथ के जरिए से हमारे को सीनियर ने पार्किंग दिया। मैं बबलू भाई का और इरशाद भाई का और बड़े सर का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आज हम यहाँ के रहवासी लोगों को पार्किंग मिली है तो वाहतूक सेना के जरिए से। तो आप कितना सपोर्ट करते हैं इनको? हम तो फुल सपोर्ट में हैं, इनके साथ में फुल सपोर्ट है हमारा। हाँ जी, ये बबलू भाई हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर लोग का हमको अच्छा मदद मिल रही है हम लोग को। पार्किंग की सुविधा, पार्किंग की सुविधा कर रहे हैं हम जुड़ेंगे, हम लोगों को जुड़वाएंगे। हम जुड़ेंगे और लोगों को जुड़वाएंगे।